जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम गुना और गुनी की कहानी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है, एक गुना और गुनी थे। गुना तो सारा दिन लकड़ी को गुनने में लगा रहता था और गुनी कुछ गुनती थी, कुछ राम का नाम लेती थी। एक दिन गुन से बोली कि सारे दिन लकड़ी गुनने में निकाल देते हो, थोड़ा सा राम का नाम भी लिया करो। तो घुन कहता है, ऐसे राम नाम में क्या है, इतनी देर में तो मैं एक हाथ की बराबर लकड़ी को घुनूंगा। दोनों का अंत समय आया तो दूसरे जन्म में गुना तो राजा का हाथी बना तथा घुनी राजा की बेटी बनी। बड़े होने पर राजा ने बेटी की शादी में वही हाथी दहेज में दे दिया। अब हाथी पर सारा सामान लाद दिया। दोनों को पूर्व जन्म की बात याद थी। आगे चलकर हाथी रुक गया। पालकी में बैठी राजा की बेटी देख रही थी। उसने पालकी से उतरकर हाथी के कान में कहा कि पहले तो मैं कहती थी कि कुछ घुन कुछ धुन कुछ राम चर्चा सुन, पर तुम्हारी समझ में नहीं आती थी, तब तो माने नहीं, अब काहे को खड़े हो, चलो। तो फिर राजा का हाथी चल दिया। यह सब उसके पति ने देख लिया। उसने सोचा कि यह तो जानवर को भी बस में कर लेती है, तब तो मुझे भी बस में कर लेगी। घर आकर पति अपनी पत्नी से बात भी ना करे और अपनी माँ को सारी बात बता दी। तब सास ने बहू से पूछा, तब उसने बताया, पहले जन्म में हम दोनों गुना और गुनी थे। मैं तो काम भी करती और राम का नाम भी लेती थी, लकड़ी को घुनने में लगे रहते थे, इसलिए मैं तो राजा की बेटी हुई और यह हाथी बनी। इसलिए मैंने इनसे कहा कि अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय था तब तो राम का नाम लिया नहीं, अब क्यों हाथी की योनि को पा करके क्यों पश्चाताप करती हो। तो इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि जब तक हमारी उम्र है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हमें भगवान का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे के लिए रुकने से कभी भी बुढ़ापे में राम का नाम नहीं लिपता है। तो मित्रों, मेरी यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।